ये कहना था कि जितनी भी गाड़ियां कमर्शियल यूज में की जा रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल क्यों नहीं है, चाहे वो डोमिनोज हो, पिज़्ज़ा हट हो, जोमेटो हो या स्विगी हो। सालों से विदेशी कंपनियों की गाड़ियां यहाँ पे कमर्शियल यूज कर रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल नहीं किया गया, जिससे राज्य सरकार या देश को एक जबरदस्त हानि हो रही है। जब मैंने राज्य सरकार की IERS में शिकायत की थी तो उन्होंने बहुत ही मजाकिया जवाब दिया। उनका ये कहना था कि गहन चेकिंग के दौरान जो गाड़ी पकड़ी जाएंगी उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जबकि डोमिनोज जैसी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां लाइन से अगर देखी जाए तो इनके स्टोर्स के बाहर खड़ी होती हैं, तो इन्होंने उस बात को टालने के लिए चेकिंग का बहाना बनाया। ऐसा है जो गाड़ियाँ कॉमर्शियल के रूप में चलती हैं, जैसे बहुत से मोटरसाइकिल हैं जैसे पिज्जा होती हैं, डोमिनोज हैं, इस तरीके की गाड़ियाँ हैं जो वहाँ कंपनी से पैसा लेती हैं और सरकार को टैक्स के रूप में नहीं देती हैं, तो ऐसी हमने एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। तो कुछ एजेंसी मालिक कुछ स्पेशल गाड़ी का पता भी चल गया कि इन्होंने जो है इस तरीके की टैक्स की चोरी की है, कुछ गाड़ियों ने तो टैक्स जमा किया है, लेकिन इन संस्थाओं को भी हमने नोटिस जारी किया कि आपके अंडर में कितनी वाहने इस तरीके की संचालित की जा रही हैं, अगर वो इस तरीके की वाहने संचालित करें तो अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत करें और उनको कॉमर्शियल कराएं, इससे सरकार का टैक्स बढ़ सके। अगर वो लोग इसके बावजूद भी नहीं आते हैं तो क्या इसके लिए कुछ चेकिंग वगैरह? इन्फोर्समेंट अफसरों को निर्देशित कर दिया गया कि इस तरीके की कोई गाड़ी मिलती है तो उनको चालान करके सीज करें, चालान की कार्रवाई करें और टैक्स वसूला जाए।